एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधाज लाइफस्टाइल। आज मैं आप सबके साथ करेले की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो करेले लिए हैं और उन्हें धोकर अच्छे से रख लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले करेले का डंठल तोड़ लेंगे और उसके बाद चक्कू से या फिर छिलनी से इस तरह करेले के सारे छिलके निकाल लेंगे। जब करेले के सारे छिलके निकल जाएं, उसके बाद इसके बीच में से एक कट लगाते हुए हम इसकी सीड्स को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह मैंने एक तरफ सारे करेले के छिलके निकाल लिए हैं और दूसरी तरफ करेले के बीज इकट्ठे कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो करेले के छिलके और सीड्स हैं, इन दोनों को हमें फेंकना नहीं है, इसे आगे रेसिपी में यूज़ करना है। वैसे भी करेले के सीड्स में करेले से ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, तो इसे हम आगे रेसिपी में मिक्सर में ग्राइंड करके इसे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और उसके बाद ये जो हमने करेले छील करके रखे हुए हैं, इनको इसमें डुबो देंगे और कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे, ताकि हमारे करेले थोड़े से पक जाएं। बहुत से लोग इसे यहाँ पर फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन फ्राई करने से इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर बॉयल कर रही हूँ। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और लग रहा है कि करेले पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में इस तरह निकाल लेंगे और फिर इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम गैस पर एक पैन रखेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 छोटे चम्मच जीरा और थोड़ी सी मूंगफली ऐड करेंगे और इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करने से मसाले में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और कुछ देर बाद जब ये मसाले ठंडे हो जाएं, तो इन्हें हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को ग्राइंड कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे जो करेले के सीड्स इकट्ठा करके रखे थे, इन्हें भी हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। आप यहाँ पर इन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं या फिर एकदम पतला भी पीस सकते हैं। अब इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद जो हमने यहाँ पे ड्राई मसाले पीस के रखे थे, इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च कलर के लिए। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, बस। इसके बाद हम गैस में एक पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल ऐड करेंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन को पतला काट के रख लिया था, उससे हम थोड़ी सी देर भूनेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज पतले पतले काट के रख लिए थे, उसे इसमें ऐड करेंगे। हमें इस रेसिपी में प्याज का यूज़ ज़्यादा करना है, जिससे प्याज से हमारी रेसिपी में थोड़ी सी मिठास आएगी और करेले का कड़वापन कम लगेगा। प्याज अच्छे से भुन जाए, इसके बाद हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे करेले के पिसे हुए बीज। इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लें और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे करेले के छिलके। अगेन इनको भी 2 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। ड्राई मसालों में हल्दी नमक मिर्च के अलावा जाएगा 4 से 6 चम्मच अमचूर पाउडर। बहुत से लोग यहाँ पे कच्ची कैरी का भी यूज़ करते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी मसालों को एक अच्छा मिक्स दे दें और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करें। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, इनमें एक अच्छी बाइंडिंग नज़र आ रही है, तो इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को कुछ देर ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडी हो जाने पर हम एक एक करके इस तरह से सारे करेलों को स्टफिंग से फिल कर देंगे और यहाँ पर हमें करेलों को किसी भी धागे या किसी चीज़ से बांधने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें एज इट इज़ ही रहने दीजिए। जब सारे करेले भर जाएं, उसके बाद हम गैस में एक पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर हम करेलों को उसमें प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए अलट पलट करके अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारे करेले सभी जगह से अच्छी तरह से सिक गए हैं, इनमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसके बाद हम इन करेलों को पैन से निकाल लेंगे और लीजिए, रेडी है आपके बहुत ही यम्मी स्टफ्ड करेले। तो ये थे आज की मज़ेदार रेसिपी एंड आई होप कि आपको हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।